हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर ए बूटेबल डिवाइस नॉट बीइंग डिटेक्टेड, प्लीज रेफर टू द प्रोडक्ट गाइड एट HTTP। ऐसा लिंक आपको दिखता है, ये आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एरर है, ये आपको कैसे फिक्स करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, एक बार आपको रिस्टार्ट कर लेना है। ये रिस्टार्ट कैसे करना है, अगर यहाँ पर नॉर्मल कीबोर्ड से रिस्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर वो आपके जो सिस्टम है वहां पर उसका पावर बटन थोड़ी देर प्रेस करके रखिए यहाँ पर, और उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो एक बार बूट हो जाएगा। और यहाँ पर वापस से आपको क्या करना है, जो आपका सिस्टम है उसके बायोस के अंदर आपको जाना है। बायोस में जाने के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ बटन का यूज करना होता है, जैसे कि हर सिस्टम के लिए अलग बटन होता है कि आप उसके बायोस में कैसे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग F2 से बायोस के अंदर जाएंगे, या फिर अगर आपके सिस्टम में एस्केप बटन से भी जा सकता है, F8 से भी जा सकता है और F12 से भी जा सकता है आपके बायोस के अंदर, ठीक है। तो हम लोग ये सेटिंग बायोस के अंदर जाके ठीक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार आपको रिस्टार्ट करके और F2 दबाना है और आपके बायोस के अंदर आ जाना है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बायोस के अंदर आ चुका हूं, सेकेंड वाले ऑप्शन में आएंगे पावर वाले में। यहां पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी वाले टैब पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी सेटिंग्स है वो सेम एज इट इज रखना है। अगर आपको यहाँ पर डिसेबल्ड दिख रहा है तो आप उसको इनेबल कर लीजिए, ओके। यहाँ पर उसके बाद आपको परफॉर्मेंस टैब के अंदर आना है। यहाँ पर आपको डू यू विश टू कंटिन्यू, यहाँ पर नो ही रहने देना, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फिगरेशन के अंदर आना है आपको। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये साटा के अंदर आओगे, जब साटा के अंदर आओगे तो आपका ये ऐसा एज इट इज रहना चाहिए। यहाँ पर AHCI जो ये ऑप्शन है, अगर यहाँ पर IDI आ रहा है आपका तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये चेंज करके AHCI कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये सेटिंग आपको कर लेनी है, ओके। और यहाँ पर बैक आ जाना है आपको। बैक कैसे आना है, वही एस्केप बटन दबाना है, ठीक है। बाहर आ गए हम लोग वापस से बायोस के अंदर। यहां पर आपको अभी मेन पेज पर आ जाना है, जो मेन पेज है यहां पर फ्रेंड्स आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहां पर जो आपका सिस्टम है, यहां पर उसका डेट और टाइम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ये आप सेट कर लीजिए आपके करंट टाइम के हिसाब से, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो इंटेल हाइपर, ये जो आपको सेटिंग्स दिख रहा है यहां पर, ये डिसेबल्ड है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इनेबल कर लेना है। यहां पर गए, यहां पर उसको इनेबल कर लेना है आपको। यहां पर आपका वो सेटिंग्स इनेबल होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो आपका बूट टैब है यहां पर आ जाना है और यहां पर आप बूट सिक्वेंस सेट करोगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर जो बूट ऑर्डर है आपका, यहां पर आपको सेट करना है। यहां पर अगर आपने पेन ड्राइव लगा के रखा है, USB लगा के रखा है, तो यहाँ पर आपको USB भी दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो बूट ऑर्डर है आपका हार्ड डिस्क रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक आपका USB का, जो आपने किसी भी कंपनी का लगा रखा है, वो यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। तो आपको ST जो आपकी हार्ड डिस्क है यहाँ पर आपको दिखेगी, तो वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका कोई यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट है, यहां पर आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए आपका जो हार्ड डिस्क है। तो अगर यहां पर आपका, यहां पर कोई भी अगर मान लो ये वाला सिलेक्टेड है यहां पर, और जो आपका आपको जो हार्ड डिस्क है वो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपका जो माउस है उसको पकड़ना है और यहां पर लेके जाना है हार्ड डिस्क के ऊपर, और उसको ऊपर की ओर खिसका देना है, ठीक है। जो आपकी हार्ड डिस्क है वो ऊपर की तरफ खिसका देना है और यहां पर उस पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो बूट सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, आपकी हार्ड डिस्क सबसे ऊपर आ जाएगी और जो अदर ड्राइव्स हैं
ये आपकी नीचे की तरफ आ जाएंगी। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो बूट ऑर्डर दिख रहा है आपको, यहां पर आपको सेम एज इट इज रखना है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका लेगेसी बूट अगर यहां पर डिसेबल्ड है तो फ्रेंड्स आपको उसको इनेबल कर लेना है। यहां पर आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए और यहां पर उसको, यहां पर ये UEFI बूट आपको इनेबल कर लेना है। यहां पर आप उसको इनेबल कर लीजिए। अगर यहां पर ये भी आपका डिसेबल्ड है, ठीक है, तो उसको भी आप इनेबल कर लेना है आपको लेगेसी बूट को, ठीक है। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स आप इसको, जो ये UEFI बूट है, इसको एक बार डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। डिसेबल करके एक बार उसको F10 सेव करके एक बार आपका सिस्टम है वो बूट करके देखिए। अगर यहां पर ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप फ्रेंड्स यहां पर आओगे वापस से और इसको इनेबल कर दीजिए आप बस, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये सेटिंग्स आप एज इट इज आपके यहां पर दिखनी चाहिए, एज इट इज जो मैंने सेव किया है, ये एज इट इज सेटिंग्स आप एक बार देख लीजिए और सेम एज इट इज कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F10 दबाना है। ओके, F10 दबाओगे आपसे सेटिंग सेव करने के लिए पूछेगा, कीबोर्ड से Y प्रेस कर देना है, ये आपका बूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हो कि जो आपको एरर आ रहा था यहां पर स्क्रीन के ऊपर, यहां पर वो अभी नहीं आ रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ एरर आ रहा है वो आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।